हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रोन्ट अ डॉक्टर वंस अगेन। तो फ्रेंड्स, इस जो क्वेश्चन जो मैं उठाने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा मेरे से पूछा जा रहा है रिगार्डिंग DJI Mini 3 की। काफ़ी लोग रिपोर्ट कर रहे हैं कि इसकी रेंज में प्रॉब्लम है, कि इसकी रेंज जो है वो कम है। तो इसी पे पूरा चर्चा करेंगे कि क्या इसकी रेंज है, और जो अफवाहें फैल रही हैं वो क्या हैं, और लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखें। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल में हम लेके आते हैं ड्रोन रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन एंड टेक विच आई यूज आई शेयर एंड समटाइम हेल्थ टिप्स आल्सो। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि काफ़ी ज़्यादा खबरें ये फैल रही हैं कि मिनी 3 की रेंज में प्रॉब्लम है। इसकी रेंज मिनी 2 और मिनी 1 से भी कम है, या प्रॉब्लम आ रही है, ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं, मैसेज आता है, ज़्यादा दूर तक नहीं ले जा पाते। तो मैं प्रो यूज़र हैं और आपको चाहिए कि आपको एक बहुत अच्छी रेंज मिले, तो बहुत अच्छी रेंज लेने के लिए आपको इस कैटेगरी से बाहर निकलना पड़ेगा। DJI Mavic जो है उसकी कैटेगरी में, Mavic 3 Pro उसमें जाना पड़ेगा। वहाँ डिफरेंट है। अब मैं आपको सबसे पहले बताऊँ, मिनी 3 में कोई प्रॉब्लम नहीं है रेंज में। इसकी जो रिकमेंड एक्चुअल में जो रेंज है वो 1 से 2 किलोमीटर के बीच में फॉल करती है। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में उड़ा रहे हैं। कई बार क्या होता है, वाईफाई इंटरफेरेंस आपको मिलता है काफ़ी जगह पर, वहाँ पर आपको ये रेंज नहीं मिलेगी। ये डिपेंड्स ऑन द एरिया टू एरिया। तो हो सकता है जो लोग प्रॉब्लम बता रहे हैं, हो सकता है उनके एरिया में उस टाइम पर जब वो जहाँ पर भी उड़ा रहे थे वहाँ पर उनका रेंज ये इंटरफेरेंस ज़्यादा हो, तो उससे जो वाईफाई सिग्नल है उसमें प्रॉब्लम आती है, तो रेंज कम मिली हो। दिस इज़ पॉसिबल। अब इसका मतलब ये नहीं है कि DJI Mini 3 Pro में प्रॉब्लम है, ठीक है, एडिशंस के ऊपर है। तो वो वेरिएबल मिलती हैं, तो वेरिएबल रेंजेस मिल रही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो ये मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, नंबर वन। बाकी दिस वाज अ मेन इशू जो मैंने आपको क्लियर कर दिया। मिनी 3 प्रो में कोई अपडेट नहीं। बाकी एट द एंड मैं बताना चाहता हूँ, दिस इज द बिगिनर ड्रोन। इसको आप हाईली प्रोफेशनल लॉन्ग रेंज ड्रोन मत माने। ये उन्होंने एक टारगेट ऑडियंस, टारगेट कस्टमर रेंज के लिए बनाया, कि जो लोग नहीं आना चाहते इन रूल्स रेगुलेशन के चक्कर में, रजिस्ट्रेशन के चक्कर में, और ड्रोन का मज़ा लेना चाहते हैं, फैमिली शॉट्स लेना चाहते हैं, जो कि जिस लेवल पे ये उड़ता है बहुत अच्छे उसमें वहाँ पे शॉट्स मिल जाते हैं। और अब ये टारगेट भी रील्स को भी टारगेट किया जाता है, क्योंकि शॉर्ट्स एंड रील्स फॉर्मेट काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। तो कंटेंट क्रिएटर्स को इस तरह का कोई डिवाइस चाहिए स्टार्टिंग रेंज में, जो कि कॉम्पैक्ट हो, कोई उसमें रूल रेगुलेशन का बचड़ा ना पड़े, और दे आर एबल टू गेट गुड शॉट्स। तो वो सब चीज़ें आपको ये ड्रोन प्रोवाइड कर रहा है। ये वो ड्रोन नहीं है कि इसको आपने उड़ाने और रेंज देखनी है इसके, 3-3, 4-4 किलोमीटर, 2-2 से ऊपर आप उसको लगे, वो इसके कैपेबल ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये आप मान के चलें ये बात। ये बिगनर कैटेगरी में कुछ खास ऑडियंस को टारगेट करके बनाया गया, कि इनका ये ऑर्गन, हम ये जो कस्टमर रेंज है इनको हम टारगेट करें, और उनका ये रिक्वायरमेंट है और ये रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है, ठीक है। तो ओवर एंड ऑल मेरे हिसाब से जो आज के टाइम पे जो कंटेंट की डिमांड है उसको ये फुलफिल करता है, ठीक है। हमें इतनी दूर ड्रोन भेजना भी नहीं चाहिए इस कैटेगरी का। होप आपको वीडियो लाइक अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।